गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी एज वेल एज फोर्थ कमिंग डॉक्टर्स. बच्चों आज के अपने सेशन का हेडिंग है एक्सपेक्टेड फॉर नीट यूजी 2022. यानी इस बार नीट यूजी एग्जाम 2022 में कब होगा उसका अनुमान लगाना है. लेकिन आप इस मुगालते मत रहना या अनुमान मत लगाना कि इस बार जो डेट आएगी वो आगे खिसकती रहेगी जैसे लास्ट टाइम से हो रहा है. दो साल के अंदर पूरा ये खिसकने बैंड बज गई. मेडिकल कॉलेज में पूरा सेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. ये जो है ना बैंड मास्टर कोरोना, ये दो कोविड सेशन से वहाँ हालत बहुत ख़राब चल रही है. पूरा लोड आ गया है प्रोफेसर पर, बच्चों पर, यहाँ तक कि बच्चों की जो मेडिकोज है उनकी तो वहाँ से छुट्टियों हटा दिया गया है. जो दिवाली पे उनके 7 से 10 दिन की छुट्टी होती थी उसको 3 दिन कर दिया है. और बाकी जो उनका स्कूल के जैसे अपन पीरियड होता है ना, ऐसे वहाँ जो पीरियड है उसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है, 50% बढ़ा दिया गया है. तो लोड आ गया है दोनों जगह, भार आ गया है दोनों जगह, पढ़ाने वाले पर भी और पढ़ने वाले पर भी. तो उनकी तो जदोजहद चल रही कि अब सेशन को टाइम पे लाया जाए, लाइन पे लाया जाए. आप देखो ना, जब से कोविड आया है, जहाँ सेशन चालू होता था पहले अगस्त में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में चालू होता था, आजकल एग्ज़ाम 1 महीने बाद सितंबर में हो रहा है. आपको मालूम है 2021 में हुआ 13 सितंबर को, 2020 में हुआ 13 सितंबर को, 2021 में हुआ 12 सितंबर को, और पहले आराम से मई में होता था. हल्का सा नीट को रिवर्स गियर में लेके चलें, आपको लग जाएगा कि आज मैं प्रिडिक्ट जो करूंगा और जो पूरी कैलकुलेशन होगी उसमें ध्यान से मेरे साथ चलना बच्चों, तो अपने सामने एक डेट आ जाएगी जिसको मन में लेके चलना, बात दिमाग में बिठा लेना कि वो खिसके ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सेशन को टाइम पे लाना है. तो लेते रिवर्स गियर नीट का. नीट आपकी सबसे पहले स्टार्ट हुई 2013 में. उस समय आराम से नॉर्मल सेशन के अंदर मई के फर्स्ट वीक में जो भी आपका संडे आता था उस समय नीट का एग्जाम होता था. तो 2013 में 5 मई को एग्जाम हुआ, पहली बार नीट हुई, रिजल्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने नीट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज के लोग थे वो याचिका लेके पहुंच गए. क्योंकि आपको मालूम प्राइवेट कॉलेज के अंदर बच्चे पढ़ाई नहीं करते और उनको वहाँ पे पेरेंट्स भी आराम से फीस देते हैं, इसलिए वो याचिका को मान के सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया. 2014 में वापस ऑल इंडिया PMT हुआ, वो आपका 4 मई को. फिर 2015 में वापस आपका ऑल इंडिया PMT हुआ, वो आपका हुआ 3 मई को, लेकिन उसमें पेपर आउट हो गया तो वापस फिर 25 जुलाई को हुआ. फिर वापस से 2016 में नीट को लागू किया गया, और 2016 में नीट के 2 फेज हुए. पहला फेज हुआ 1 मई को और दूसरा हुआ आपका 24 जुलाई को. वहाँ पे बिल्कुल एक रूल था बच्चों के लिए कि आपके लिए अगर आप पहला फेज का जो स्कोर है उसको छोड़ के आप दूसरा फेज देना चाहते हो तो पहले फेज के स्कोर को भूल जाना. ये नहीं 2 फेज में जो स्कोर ज्यादा हो उसके अकॉर्डिंग आपका आगे एडमिशन होगा, नहीं. तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, बच्चों ने 2 फेज के हिसाब से जैसा भी वहां किया. लेकिन आपको मालूम है इसका नुकसान जेई मेंस में हुआ था. जेई मेंस में ये होता है रूल कि आप अपने लिए 4 बार आपके पास लास्ट टाइम एग्जाम हुआ और उसके अंदर जो मैक्सिमम स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग होगा. और आपको मालूम होगा, थोड़ा बहुत आइडिया आउट ऑफ ट्रैक बोल रहा हूं, लेकिन जेई मेंस में इस बार रिजल्ट में 18 बच्चे फर्स्ट रैंक पे थे, बहुत दिक्कत हो गई थी. चलिए जेई मेंस की बाद में बात, वापस आ जाए अपन नीट पर. 2017 में नीट, 18 में नीट, 2017 में 7 मई, 2018 में 6 मई और 2019 में वापस से 5 मई. आराम से रिजल्ट आता गया और फर्स्ट वीक अगस्त के अंदर सेशन चालू हो जाता है. स्पेशली ये फर्स्ट वीक अगस्त के अंदर एम्स में चालू होता था, क्योंकि 2019 तक एम्स अलग होता था, नीट अलग होता था. 2019 के बाद एम्स और जितने भी और एग्जाम हैं, BHU हो कि FMC हो कि आपका जिपमेर पांडिचेरी हो, ये सारे एग्जाम कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ गए. और आराम से तैयारी चल रही थी कि 2020 में कॉमन प्लेटफॉर्म के हिसाब से ये एग्जाम जिसमें एम्स भी जुड़ गया है आराम से होगा. 2020 के हिसाब से 2019 के लास्ट में 30 दिसंबर को फॉर्म का डिक्लेरेशन हो गया, फॉर्म आना चालू हो गया, और जो जबकि 15-16 जनवरी तक उसकी लास्ट डेट थी. और आराम से उस समय जब नीट नॉर्मल होता था मई में तो लगभग 125 दिन का टाइम मिलता था, 125-130-135 दिन मान लो, लेकिन मिनिमम 125 दिन, क्योंकि आप देखो 30 दिसंबर को चालू हुआ और आराम से एग्जाम को मई में लेना था तो 125 दिन का टाइम मिलता है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लगभग 120 दिन, और इधर आपका नीट का मई में जो भी संडे आएगा उसका तो लगभग 125 दिन नॉर्मल चलता रहा ऐसे. लेकिन एकदम आपको मालूम है बोर्ड एग्जाम भी चल रहे थे, मार्च में बोर्ड एग्जाम चालू हो गए थे, कई जगह बोर्ड एग्जाम पहले हो जाते हैं. लेकिन CBSE बोर्ड एग्जाम में 14 मार्च को बच्चों आप नीट के हिसाब से बायो से फ्री हो गए थे, क्योंकि हर बोर्ड चाहता है कि बच्चा जो भी अपने लेके चलता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो उसका बायो हो, साइंस में या मैथ्स हो, वो उससे पहले फ्री हो जाए.
आगे आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या है, फिजिकल एजुकेशन है या आपके पास कह दीजिए कंप्यूटर साइंस है या आपके पास हिंदी है, उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन एक बात पक्की है और सॉलिड बात है, और बच्चों ध्यान सुनना, कॉन्क्रीट बात है कि जब भी आपका बोर्ड एग्जाम से फ्री होते हो उसके बाद लगभग 45 प्लस माइनस 5, ये प्लस माइनस 5 में एक रेंज है, प्लस माइनस 4 भी हो सकता है, प्लस माइनस 3 भी हो सकता है, लेकिन बेसिक 45 डेज, प्लस माइनस 5 डेज के अंदर जो भी आपका मंथ आ जाएगा उसमें जो भी उसके वीक का संडे होगा उस दिन नीट का एग्जाम हो जाएगा, ये पक्की बात है। जैसा अभी अपन देखें, इस बार अगर हम बोर्ड की बात करें तो हर स्टेट बोर्ड अपना चाहता है कि अपने अपने हिसाब से उसके बच्चे उसके मेडिकल कॉलेज में आए, क्योंकि आपको मालूम है नीट से जो सीट है मेडिकल कॉलेज में 15% ऑल इंडिया कोटा से भरा जाता है और 85% स्टेट से भरा जाता है। तो हर स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर चाहता है कि उसके बच्चे उसको भरें, इसलिए वो भी अपने बच्चों को बोर्ड का ऐसा शेड्यूल तैयार करते हैं कि उनको भी 45 दिन आराम से मिल जाए। लेकिन वास्तव में ये नीट एग्जाम ज़्यादा प्रिफेयर करता है सीबीएसई बोर्ड बच्चों को, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सबने स्टेट बोर्ड के अंदर सिलेबस वही कर ले जो सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी का सिलेबस है, और लगभग सबने कोशिश करी कि हम भी हमारे बच्चों को 45 से 50 दिन का टाइम कम से कम देंगे। तो आप सबको मान के चलना चाहिए सबके बोर्ड इस एग्जाम के हिसाब से एक जैसे हो गए, सिलेबस के हिसाब से ऊपर वाला स्टेट बोर्ड का नाम लिखा होगा लेकिन अंदर कंटेंट वही का वही है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर सीबीएसई बोर्ड की बुक में होता है। अब आते हैं यहां से कैलकुलेशन करते हैं, और मेरी इस कैलकुलेशन में साथ साथ चलना बच्चों, अभी आपको मालूम पड़ गया होगा कि 26 अप्रैल से सीबीएसई बोर्ड का टर्म 2 ये डेट आ गई है, लगभग मिनिमम 3 वीक और 4 वीक के अंदर, 3 से 4 वीक के अंदर बोर्ड एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, अगर टोटल माने तो लगभग 4 वीक में खत्म हो ही जाएगा। अगर मैं सीबीएसई से करूं कैलकुलेशन, 26 अप्रैल अगर इसमें मैं अगर 4 वीक जोड़ूं तो मुझे 28 दिन जोड़ने हैं, तो 26 अप्रैल से 4 दिन अप्रैल के और उधर के 24 यानी कि मई के 24 दिन, तो 24 मई को आपका लगभग एग्जाम खत्म हो जाएगा। अब 24 मई से आगे जोड़ लीजिए आप डेट, तो हमको जोड़ना है इसके अंदर 45 दिन 24 मई से, मई होता है आपको बच्चों मालूम है, साथ साथ चलना बच्चों, 31 31 दिन का होता है, तो 7 दिन तो यहां के हो गए, थोड़ी सी करना कैलकुलेशन। अब मेरे को 45 में से 7 दिन निकल गए 7 डेज, अब मुझे 38 डेज और चाहिए, तो मेरा मई तो हो गया, अब जून का 30 का होता है, तो आपको 30 और 7 37 हो गए। अब आपके पास 37 के बाद ये जून भी हो गया, तो आपको जुलाई में एंटर करना है, तो वहां के 8 दिन, लेकिन जुलाई में जो भी आएगा संडे उसको होगा, तो संडे आपका जुलाई में इस बार पड़ रहा है 3 जुलाई या 10 जुलाई को। तो ऐसा लग रहा है अगर हम बोर्ड एग्जाम को मान के चलें कि 4 वीक में खत्म होता है, तो 10 जुलाई तक नीट के एग्जाम की डेट आने की चांसेस है, और थोड़ा जल्दी करें अगर 3 वीक में खत्म हो जाता है तो 3 जुलाई तक। तो यूं कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 जुलाई से 10 जुलाई दो डेट हैं, संडे होता है नो डाउट एग्जाम की डेट, तो या तो 3 जुलाई को या 10 जुलाई को आपके नीट के होने की लगभग संभावना दिख रही है, इस बार ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहां तो जदोजहद पर चल रहे हैं कि आपके सेशन को लाइन पर लाएं, जो पहले आराम से अगस्त में चालू होता था वो आपके कोशिश कर रहे हैं इस बार कि सितंबर तक अक्टूबर तक चालू हो जाए, जबकि आपको मालूम है इस समय से सेशन 2021 वाले बच्चे और 2022 वाले बच्चे वहां डबल लोड होने वाला है, लेकिन सेशन को लाइन पे लाना होगा, धीरे धीरे कवर करना होगा, तो कोशिश की जा रही है कि इस बार जो भी डेट आएगी जो कि बहुत जल्दी आने वाली है, और जो मैं आपसे बोल रहा हूं आप भी यही हूं मैं भी यही हूं, तो या तो 3 जुलाई या 10 जुलाई जो डेट आएगी बच्चों ध्यान रखना, उसमें आपको ये मत लेके चलना कि शायद फिर खिसक जाए, लास्ट टाइम 12 सितंबर को हुआ, 2021 में 13 सितंबर को हुआ, शायद हैट्रिक हो जाए सितंबर में फिर हो जाए, नहीं साहब इस बार ये मजाक नहीं होगा, उम्मीद है संभावना है पूरी कि या तो 3 जुलाई या 10 जुलाई तक आपके नीट के डेट के आने की पूरी संभावना दिख रही है। आज तारीख है आपकी बच्चों 17 फरवरी, अगर मैं 3 जुलाई तक बोलूँ तो आप इसको काउंट कर सकते हो, ये लगभग होंगे 135 डेज, और अगर मैं 10 जुलाई बोलूँ तो 145 डेज। तो अब आगे आपको अपने को अपडेट रखना है, और उसके लिए आपको मैं 10 दिन बाद वापस आपसे मिलूंगा लगभग 28 फरवरी या 1 मार्च को, जिसमें आपके पास आगे अगर 3 जुलाई के हिसाब से 125 दिन और अगर 10 जुलाई को है तो 135 दिन रह जाएंगे, उसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी उसको लेके आऊंगा, तो उसके लिए आप तैयार रहना। आज इतना ही, आज के मेरा जो वीडियो सेशन है उसके डिस्क्रिप्शन में
मैंने अपना जो आपके ये सोशल मीडिया के हैंडल्स होते हैं, जैसे स्पेशली इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसके लिंक दे रखे, तो जो बच्चे मुझसे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो तुरंत जुड़ जाएं, क्योंकि आगे आने वाले मेरे जो भी वीडियो सेशंस के होंगे नोटिफिकेशन वो आपको मिलते रहें, और आगे जो भी मैं सेशन लेके आऊँगा और एग्ज़ाम के हिसाब से भी उससे भी आपको अपडेट कराऊँगा, और जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑथेंटिक होगी। आपको आइडिया होगा, लास्ट टाइम भी मैंने 15 जून को जब नीट के डेट का आ रहा था अनुमान करें क्या होगी, तो मैंने 15 जून को सेशन लिया था, आप देख सकते हो, तो उसमें मैंने कहा था 15 जून है, तो लगभग क्योंकि इस बार एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया था तो मिनिमम 2 महीने तो चाहिए। तो जब भी फॉर्म आ जाएगा उसके बाद अब 2 महीने जोड़ लेना, जब भी आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इसको, आप इसको विकिपीडिया पर या किसी भी तरह से जो आपकी सीबीएसई की साइट, उस पर जाके एनटीए की साइट पर जाके देख सकते हो कि आपके 2021 में 13 जुलाई को फॉर्म आया था और आपका 12 सितंबर को एग्ज़ाम हो गया था, तो लगभग उसमें 2 महीने का टाइम था। तो वो बात तो बिल्कुल सही है, हैंस प्रूफ। तो आज मैंने जो आपसे बात बोली है उसके हिसाब से आप अपने को तैयार कर लीजिए आगे के लिए, और अफवाहों से दूर रहें, मुझसे जुड़े रहें, और मैं आगे आपसे आता रहूँगा, आपको अपडेट देता रहूँगा और मोटिवेट करता रहूँगा। तो बच्चों अब वेट मत करो, क्योंकि अपने को बस मोटिवेट करो, फॉर यू वेटिंग योर मेडिकल कॉलेज गेट, बिकॉज वन डे यू हैव टू सेलिब्रेट। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।